जनता पागल हो जाएगी भाई देखते देखते वीडियो। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एक नया दिन, एक नई शुरुआत। सो आज कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं आप लोगों के लिए। फिलहाल अभी मैं घर पे हूँ, बस निकल ही रहे हैं घर से हम। मैं अनुज को लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। भाई मैं आ चुका हूँ अनुज के पास, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। ये देखो, अरे देख रहा बेशरम आदमी। तो गाइस अभी आपको पहले एक चीज़ स्पॉट हुई है, वो चीज़ दिखाता हूँ मैं। गाइज हमने डिसाइड किया, हम आज दलाइल जा रहे हैं मसूरी साइड। मसूरी से आ गया है कैंपटी फॉल वाले रोड पे, मज़ा आएगा बहुत मज़ा आएगा। बाकी हम आपको रास्ता बताते हुए चलेंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए अब आपको दिखाते हैं रास्ता, दिखाते हैं व्यू, दिखाते हैं, ठीक है? तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा पर आपसे शुरू कर, ये ब्लॉग शुरू करने से पहले, कि अगर देखो आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक शेयर करो, कमेंट भी करी है। अगर कोई हमारी कुछ कहीं पे आपको लगता है कि हाँ कुछ ठीक है या सुधारनी है तो हमें वो बताइए, ठीक है? हम करेंगे उस पर वर्क भी, उस पर भी वर्क करेंगे। फिलहाल अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा हो जाता है, बट हमारा प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा, और 1K तो करवाई दो एटलीस्ट यार, 10 दिनों के अंदर अंदर इतना तो कर सकते हो। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। ये अपना डी आई टी लड़कियाँ भी है भाई। शाम के टाइम अगर आप आओगे ना तब देखेगा आपको यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे थोड़ा आपको क्राउड दिख जाएगा, बढ़िया सा चीज़ें मिलेंगी आपको, चीज़ें यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी बहुत सारी। गाइस कुठालगेट पहुंच चुके हैं हम, और ये वही वाला रास्ता है शिव मंदिर वाला जो आपको दिखाया था उस टाइम हमने। यहाँ से तो अभी काफ़ी है वैसे तो ये देखिए गाइस शिव मंदिर है जो आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था आपको। और अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो देखी नहीं शिव मंदिर एक्सप्लोर करने की तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है? तो आप वहाँ से जाना, बहुत प्यारा मंदिर है ये भी, काफी पुराना है दोस्तों, काफी पुराना टेंपल है ना, तो बहुत मान्यता है इसकी। और अभी शिवरात्रि आने वाली है तो देखिए भैया कितनी भीड़ रहेगी यहाँ पे, शिवरात्रि का भी ब्लॉग दिखाएंगे आपको। देखिए अंगूर के हाथ में अंगूर। जाम भी बहुत लग रहा है। गाइस ये देखिए हम टोल टैक्स पहुंच चुके हैं और सबको देना पड़ता है, अगर आप लोग बाहर से आ रहे हैं तो आपको सबको टोल तो देना पड़ेगा यहाँ पे। अभी हम आपको पूछ के बताते हैं कि कितने का है टोल। हाँ टू व्हीलर कितना है और बाइक वो कार कितने का है। हाँ तो टोल हमने कटवा दिया है, तो बता दीजिए टोल कितने का कटता है सर? अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो 12 रुपये है और 12 रुपीज़, अगर आप कार से हैं तो 7 रुपये 60, ये आपको देना पड़ेगा यहाँ। अगर आप लोकल है मसूरी से तो आपको नहीं देना पड़ेगा। हाँ लोकल वाले नहीं दे पाएंगे, अगर आप बाहर से अगर टूरिस्ट हैं तो देना पड़ेगा। तो चलो हम आपको अब आपको व्यू दिखाते हैं। बाकी सर गाइस देखिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते तो इसलिए सिर्फ हम आपको बीच बीच में सिनेमेटिक्स दिखा देंगे और बाकी फिर हम सीधा दलाइल फॉल्स के आपको दिखाएंगे जो है। तो
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मसूरी, ये देखिए। अब आपको यहाँ पेट्रोल पंप से लेना है लेफ्ट, पेट्रोल पंप से आएगा तो ये लेना है लेफ्ट में, बोर्ड पार्ट सब लगे हुए। ये पहुंच चुके हैं देखिए, पार्किंग अगर किसी को करनी हो बाहर से कोई आया हो तो यहाँ, ये पार्किंग का है पूरा देखिए। तो गाइज ये देखिए हम पहुंच चुके हैं मेन मसूरी, ये आगे मसूरी लाइब्रेरी, ये देखिए अपना गांधी चौक हो गया, ये लाइब्रेरी आ गई 1943। गाइज हम तो कुछ भी नहीं लाए घर से, इतनी ठंड हो रही है गाइज, आप लोगों के लिए इतने दूर से ब्लॉग बना रहे हैं, इतनी दूर आए ठंड में। हमारा कोई प्लान नहीं था, कुछ भी प्लान नहीं था कि हम यहाँ आएंगे, तो बस मूड बना कि चलो वहीं चलते हैं, तो हम यहाँ आप लोगों को दिखाते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। अब इस टाइम पे हमारे हाथ ऐसे हो रखे हैं, बिल्कुल सुन्न हो रखा है हाथ, सुन्न हो रखा है, सुन्न, बिल्कुल बहुत ठंड हो रही है गाइस, बहुत देहरादून में तो कुछ भी नहीं ठंड है, हम सोचते थे वहाँ के साथ से तो यहाँ मतलब बहुत ही। आज मैं कुत्ते से जैकेट पहन के आ गया, इसमें तो कुछ भी नहीं पहना, और पकड़ के चला के लाया। तो गाइस देखिए हम आपको वहीं मिलते हैं, बाकी हम रास्ता आपको बताते रहेंगे, हाँ जहाँ मेन मेन जगह आपको दिखाते रहेंगे। आपको कहीं नहीं जाना, मसूरी लाइब्रेरी आएगी उससे आपको राइट हैंड साइड में जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर मोड़ देना है, हाँ जो आपको गली दिखाई थी, हाँ वहाँ से राइट लेके आप सीधे सीधे ब्लू एमटी हॉल वाले रोड पर चलते रहिए, बाकी फिर हम वहाँ से आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये आपको इस टाइप का ये बोर्ड मिल जाएगा यहाँ पे एमटी फोर यमी, तो निकाल हमने यहाँ से कहीं नहीं जाना, सीधा ही सीधा जाना हमने, सीधा जाना है आपको इधर ही, ये कंपनी गार्डन, कंपनी गार्डन, ये देखिए कंपनी गार्डन से पूरा पूरा सीधा निकलना है। ये देखिए ये आगे आपको ये मिल जाएगा आईटीबीपी का, ये मिल जाएगा, यहाँ लिखा है बुद्धा टेम्पल, ये बुद्धा टेम्पल लिखा हुआ है, यहाँ से आपको जाना है। ये देखिए ये पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे, हमने गाड़ी लगा दी है, ये आपको उधर टेंपल मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहीं से रास्ता है दलाई हिल्स का कटने का, पूरा पूरा रास्ता मिलेगा आपको ऊपर, और ये देखो ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है वाला, ये मिल जाएगा वो पूरा रास्ता, और ये यहाँ पे तुम ले सकते हो चाट वाट अपना खाने पीने का, ये बारीक सा रास्ता जा रहा है, देखो चाट वाट मिल रही है, देखो अभी से। ओ गाइस गाइस देखो तुमसे पहले मेरी नज़र पड़ गई होगी गाइस, चेक दिस आउट गाइस, ये देखो अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभाल, तो कितना अच्छा हो रहा है गाइस देख रहे हो आप, एक की नहीं गाइस सबकी नाक बह रही है, सबकी बह रही है, देखिए स्टेबिलिटी है गाइस, भाग भी रहा हूँ मैं भाई, कितना किलोमीटर है और चलता रहे, जनता पागल हो जाएगी भाई देखते देखते वीडियो। ये देखिए ये बुद्धा जी का वो है भाई, थक गया थोड़े चढ़े चढ़ के, ये चेकआउट करो, ये इनकी लैंग्वेज में लिखा है, तो चलो आगे चलते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको रास्ता, कंटिन्यू करते हैं पूरा, अभी आगे चलेंगे पूरा कंटिन्यू करते हैं अभी। ओ भाई अभी तो बहुत लंबा है, देखिए हम चढ़ते हैं पूरा बताते हैं आपको ऊपर, तो ये देखिए पहुंच चुके हैं गाइस, ये कुछ व्यूज टाइप का, ये दुकानें मिल जाएगी आपको। तो ये देखिए पहुंच चुके हैं हम पूरा का पूरा प्रॉपर ऊपर, ये आप गेट मिल जाएगा, ये ठीक है, देखिए आइए कुछ अंदर दिखाते हैं आपको, तो आइए देखिए ये कुछ
इस टाइप का यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी, हेलीपैड है मतलब उस साइड स्कूल का हेलीपैड है वो। तो ये बुद्धा जी की मूर्ति है और ये इसके बारे में लिखा हुआ। तो ये चेक करिए पीछे का व्यू और ये देखिए, ये चेक करो आप। ये है देखो हेलीपैड, ये पूरा हेलीपैड है, तीन हेलीकॉप्टर क्योंकि बहुत सारे आ जाएंगे यहाँ। तो अभी हेलीकॉप्टर है नहीं, उड़ चुके हैं सारे। ये कुछ इस टाइप का वो आ रहा था सामने, वो देखो गाइस सामने से हेलीकॉप्टर आ रहा है। कैसे लोग गाने वाने अपना बढ़िया चल रहे हैं, इंजॉयमेंट के लिए बहुत बढ़िया है यहाँ पे, व्यू भी बहुत प्यारा है। ये देखिए ना, थोड़ी शांति चाहिए मतलब ये है, तो उसके लिए बहुत प्यारा है। वो नीचे भी आप देखिए कपल्स लोग बैठ रहे हैं, ये देखिए वहाँ पे भी देखिए सब बैठ रहे हैं। ये है पूरा व्यू और ये देखिए पीछे से देखिए। तो गाइस अभी हम भूख लग रही है, अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे, मैगी खाएंगे अब हम। और आपको मैंने दिखा तो दिया पूरा दलाई हिल्स ये है, और फिर अभी जाते हुए आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि देखो अभी मसूरी के भी शॉट्स हमारे पास, और फिर अभी ये भी इसके भी डालेंगे, तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये कि ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए ब्लॉग, ज़्यादा लंबा खींच जाता फिर इन्जॉयमेंट भी नहीं हो पाता, इन्जॉयमेंट भी नहीं हो पाता। आपको मैंने यहाँ का पूरा दिखा दिया है, बस हमारा मेन मोटिव जो है वो ये था कि आपको यहाँ पे दिखाएं, व्यू दिखाएं यहाँ का, और जो ये मतलब दलाई हिल्स भी बोला जाता है वैसे बेसिकली, पर जो ये है वो है क्या कहते हैं बुद्धा टेम्पल, ये बुद्धा टेम्पल कहलाता है, बुद्धा टेम्पल कहलाता है। अगर कभी आप आएँ तो आएँ अच्छे फैमिली के साथ, आएँ दोस्तों के साथ, आएँ जैसे भी, अच्छे से इन्जॉय करें यहाँ पर, आएँ यहाँ पर खाने के लिए सब कुछ अवेलेबल है, बहुत प्यारा व्यू है। और व्यू तो बहुत प्यारा है, कभी आना हो तो रहकर, अकेला अगर रहने का मन करे तुम्हें तो अपना अकेले आ जाओ, फैमिली के साथ भी आओ, हेलीपैड भी है, मस्त नज़ारा देखेगा बिल्कुल। आओगे तो नाराज़ होकर नहीं जाओगे मतलब ऐसा है। चलिए बाकी फिलहाल अब हम खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारी मैगी आ चुकी है, तो अब हम इसे खाएंगे। और ये शॉप है, अगर आप आएँ तो यहाँ पर खाएँ, ये बहुत अच्छी मैगी बनाते हैं, ठीक है। चलो अब मैगी खाते हैं, फिर जाते हो फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये है वो, इसमें तो इन्होंने अपने लवर्स वगैरह का नाम रखे हुए, ऐसी जगह पे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। या तो कोई हो एक ने करा होगा, तो देखो भाई सब ने कर दिया है। दोस्तों देखिए आप लोग आए यहाँ पे, घूमो, व्यू को एंजॉय करो, मस्ती करिए, अपनी फोटोज खींचिए, बस ये सब मत करिए। तो गाइस अभी मैं यहीं एंड कर रही हूँ एक ब्लॉग, ठीक है। अब हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि लेट बहुत हो गई और अब अंधेरा, घर जाने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब तक ये देखिए ये पूरा, तो निकलते हैं हम यहाँ से, तो तब अब ये ब्लॉग यहीं एंड कर देते हैं, यहीं कर रहे हैं एंड, बहुत लंबा खिंच जाएगा फिर, ठीक है। तब तक ऐसा करना आप,
देखना, वॉच करना पूरा, और लाइक सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें और इन्जॉय। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तब तक मिलते हैं, ओके गाइस, बाय, गुड सब, रात्रि, बाय।